Hello everyone, welcome to the mathematics class by Ekam Mishra guys. So today I am going to discuss about the quick revision of class 10th mathematics from chapter 1 to 15. So jaise ki as you know that guys, how many chapters in class 10th mathematics syllabus? So there are the 15 chapters, right? So I have divided the 15 chapter into the 3 part. तो फर्स्ट डिस्कशन में मैं लूंगा 1 से लेके 5th तक का जो भी क्विक रिवीजन होगा, ठीक है, जो कि इसका सेशन आपको आज मिल रहा है, ठीक है। तो क्विक रिवीजन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 1 टू 5 तक का जो है वो क्विक रिवीजन यहाँ पे आपको कराया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जिसमें कुछ पार्ट, बहुत सारा पार्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका कंप्लीट करा दिया गया है गाइस। तो आप हमारे इस चैनल पे क्विक रिवीजन पूरे एनसीईआरटी का पे फोकस्ड होगा, और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपका जो भी मार्क्स का आएगा वो, तो यहाँ पे मैं बार बार हमेशा एक चीज पे आपको बोलता हूँ गाइस, कि अगर आपको मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको दिया गया जो सब बुक होता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड जो बुक होता है, वो आपको सीबीएसई या कोई भी बोर्ड जो होता है वो आपको क्या करता है, प्रेफर करता है गाइस। तो इस चीज पे हम ऐसा ध्यान देंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जिसमें बहुत सारा पार्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा वहां पर मिल जाएगा गाइस, तो वहां पर जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग 1 से लेकर 5 चैप्टर तक क्विक रिविजन करेंगे, जिसमें आपका जो भी टाइम लगेगा उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सारा टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिवीजन करने से जो भी आपको क्या होगा कि एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, और एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीके से फोड़ के आने वाले हैं गाइस, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल गाइस इन द एग्जामिनेशन, एंड यू विल डू बेस्ट इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो आप अभी भी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी अच्छा करेंगे गाइस, और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स आपके साथ साथ और भी बच्चों को मिल सके गाइस, राइट। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर देखेंगे, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज के डिस्कशन में यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन सा जो आपका आएगा, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यश लिखना। अब रियल नंबर में सबसे पहले एग्जाम के टाइम में क्या होता है गाइस, कि ये इंपॉर्टेंट होता है व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, राइट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट टू स्टडी एंड नेक्स्ट वन इज द व्हाट नॉट टू स्टडी। क्योंकि अब जो है आपको यहां पे नॉलेज गेन करने के लिए जरूरत नहीं है, यहां पे नॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं लेना है, यहां पे अब क्या है कि आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब आपका एग्जाम रनिंग है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है ताकि आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सके गाइज, और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में फोड़ के आए, तो इसी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल नंबर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे गाइस, ठीक है, तो पॉलिनोमियल देखेंगे, राइट। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में बात करें तो थर्ड चैप्टर जो होता है वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। तो ये आपका आ गया फर्स्ट चैप्टर, ये आपका हो गया सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स का, टू वेरिएबल्स का, तो यहां पे एक वेरिएबल्स का नहीं, हम लोग टू वेरिएबल्स का देखेंगे कि आखिर जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, आपका एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड हो गया, नेक्स्ट आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो वो सारा मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस, और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इतना ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और इसके बाद अगर लास्ट चैप्टर के बारे में बात करें, फिफ्थ चैप्टर, दैट इज द एपी,
एपी दैट इज ऑल्सो नोन एज द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं गाइस. तो ये सेशन को भी, इस टॉपिक को भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए. ठीक है, तो यहां पे क्विक रिवीजन हो रहा है गाइस, तो बहुत अच्छे से. तो आई होप गाइस जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक अगर आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस फॉर द अपकमिंग सेशन. राइट, तो अपकमिंग सेशन के लिए, क्योंकि अपकमिंग सेशन जो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जैसे कि आप 10th के बाद 11th में जाने वाले हैं, 10th से आप मूव किस पे करेंगे 11th क्लास में, तो उसमें भी आपको मैथ्स यहां पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे नहीं देने. ठीक है, तो मैथ्स आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. राइट, इसके बाद 12th में भी मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा क्या, मैथ्स. राइट, ठीक है, उसके बाद अगर आपका गोल सीडीएस एनडीए कैट या फिर अदर कंपटीटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं. उसके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने हैं. आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूअसली, एक और यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो, ठीक है, तो उस लिंक पे जाकर आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा गाइस, क्योंकि वहां पे जो क्लास जो है वो भी आपको रेलवे बैंक एसएससी सीडीएस कैट एफ कैट एनडीए और जो भी आपका यूपीएससी लेवल तक का मैथ्स जीके जीएस करेंट अफेयर आपको कराया जा रहा है अभी आपका, वहां भी जो है आपका जो क्लासेस जो है वो रन हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हैं. राइट, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन था गाइस. अब हम लोग वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर से. सबसे पहले कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे गाइस, रियल नंबर से. तो यहां पे रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं. और एक और चीज गाइस, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको कोड बता देता हूं. आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे भी जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, उसके लिए मेरा कोड है गाइस SHIVGOVIND100001-501. जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको 10% तक का ऑफ मिल जाएगा किसी भी कैटेगरी पे. तो किसी भी कैटेगरी पे अगर आपको 10% का ऑफ लेना है तो आप हमारे इस कोड को अप्लाई करिए और 10% का ऑफ ले लीजिएगा इस अनअकैडमी प्लस पे. राइट, ठीक है, और मैं आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है गाइस, कंपिटेटिव एग्जामिनेशन का भी मैथ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा, जिसमें अभी जो है आपका परसेंटेज का सीरीज चल रहा है. तो जो भी आपके घर में या फिर जो भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें मैं बता रहा हूं किस तरीके से आप 5 से 10 सेकंड में किसी भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को आपको क्या कराऊंगा, मैं सॉल्व कराऊंगा. ठीक है, जिसमें जीरो से हीरो बनाने की 100% गारंटी है. ठीक है, मतलब जीरो से हीरो आप बन जाएंगे. ठीक है, जिसमें मैथ्स आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं गाइस. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द रियल नंबर गाइस. एक मिनट गाइस, ओके, वेरी गुड. सो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में यस लिखना. अगर कोई प्रॉब्लम है और कोई सपोर्ट चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ आप सारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं. आपका सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप मेरे साथ जो है यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे तो जुड़ा हुआ हूं ही, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे मेरे को लाइक फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं. सॉरी गाइस, तो आप मेरे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहां पर डिस्कशन मैं करूंगा. ठीक है,
तो सारे लिंक का जितना भी सोशल मीडिया है सारे पे जुड़कर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई को और अच्छे तरीके से जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, जो भी मार्क्स हो या फिर आप जो भी आपका गोल होगा वो आप अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं गाइस। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक थ्योरम होता है, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज लेमा। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ ओवरव्यू हम लोग करेंगे कि आखिर इसका यूज क्या है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम क्या बोलता है कि मान लिया कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है ए और बी। ठीक है, हमारे पास मान लो कि दो इंटीजर है ए और बी, दो पॉजिटिव इंटीजर है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास क्या है, मान लिया कि दो हमारे पास इंटीजर है, एक ए है और एक बी है, दो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पे एक जो है एक एग्जिस्ट करता है एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर दैट इज इंटीजर क्यू एंड आर तो यहां पे दो और इंटीजर उसमें आपको मिला क्यू एंड आर। तो ये जो है सेटिस्फाई किस चीज को करेगा, सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू गाइस बी क्यू प्लस आर, वेयर अगर हम लोग बात करें तो आर जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा होता है। अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे गाइस तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आप एक चीज पढ़ते आ रहे होंगे, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक चीज का अगर हम लोग देखते थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इन टू कोसेंट्स प्लस रिमाइंडर, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पहले से हम लोग ये जानते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट्स प्लस रिमाइंडर होता है, राइट। तो जैसे कि इसी पे बेस्ड आपका ये भी टॉपिक है, इसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट्स प्लस रिमाइंडर होता है। जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल, तो यही ए जो है वो किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, डिविडेंड को, बी जो है वो आपका डिवाइजर को, क्यू जो है कोसेंट्स को, और आर जो है वो आपका रिमाइंडर को डिनोट कर रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें हमारे पास दो इंटीजर और एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक क्यू एंड एक आर। तो यहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा गाइस। ठीक है, और यहां पे ये आ गया आपका डिविडेंड इक्वल टू, ये जो है हम लोग प्रीवियस क्लासेस का ये हमारा ओवरव्यू है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा अर्लियर इंफॉर्मेशन है, इसी पे बेस्ड है। और इस लेमा का जनरली यूज हम लोग करते हैं, इट इज यूज टू फाइंड द एसीएफ ऑफ द टू एंड मोर देन टू नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे आपको पहले जैसे फाइंड आउट करते थे उसी तरीके से यहां पे फाइंड आउट करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया गया है गाइस। तो चेंजेस क्या है इसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन देखते लेते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहां पर एग्जाम्पल ले लो, यू हैव टू फाइंड आउट द एसीएफ ऑफ 455 एंड 42। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से इसके अकॉर्डिंग आप बनाकर चैट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं देखता हूं कि कितने लोगों का आंसर आता है गाइस। ठीक है, सारे लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में एकदम फोड़ दो गाइस, और क्या करो सारे लोगों का आंसर मैं देख रहा हूं कि आना चाहिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे लोग आंसर जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है, आपको कितने का निकालना है, 455 एंड 42 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जल्दी से निकालो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जल्दी से निकालो।
चलो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का निकालो। यहां पे आपके पास दो संख्या है 455 एंड 42, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 455 एंड 42 मैं देख पा रहा हूं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है गाइस। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा इसका। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करेंगे कि सबसे पहले बड़ी संख्या को क्या करते हैं, इस वाले संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें मेथड क्या है कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा जो सबसे ग्रेटर संख्या होगा, तो ग्रेटर नंबर्स को स्मॉलर नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अगर ये 455 है, अगर इसको हम 42 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 10 टाइम में जाएगा, 420 आया, तो बचा कितना, 420 के बाद आपका 35 आ गया। अब यहां पे इसके कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग इसको लिखे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो एक जगह पे यहां पे क्या है 455, इसको लिख दो। एक जगह पे यहां पे क्या है डिविडेंड, तो डिविडेंड के जगह पे यहां पे क्या है 455। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो डिवाइजर क्या है, डिवाइजर दैट इज द 42, एंड अगर कॉस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे दैट इज द 10। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा, प्लस 35, राइट। तो यहां पे आ गया 455 और फिर यहां पे आप लिख सकते 420 प्लस 35, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे इतना कर दिया बस, ऐसे ही इसको छोड़ देना है। अगले स्टेप में क्या करना है, किसका जो डिवाइजर है उसको क्या करना है, इसके रिमाइंडर से, इसके रिमाइंडर से डिवाइड करना है, राइट। जैसे हम लोग पहले भी करते थे इस चीज का कॉन्सेप्ट, हम लोग जब एचसीएफ पढ़ रहे थे प्रीवियस सेशन में, जैसे 4 या 5 क्लास में, तो उस कंडीशन में हम लोग एचसीएफ पढ़ते टाइम इस मेथड को यूज किए हैं, लेकिन उसका वे अलग होता था, यहां पे वे अलग है, लेकिन वहां पे दोनों का तरीका सेम है। अब यहां पे जो 35 बच गया उसको हम लोग क्या किए, 42 से, मतलब 35 जो रिमाइंडर बचा उससे इस 42 को डिवाइड करेंगे, तो कितना बार में जाएगा, ये चला जाएगा एक बार में, तो 42 में से 35 अगर चला गया तो 7 बच गया। तो क्या मैं 42 को इसको 35 इंटू 1 प्लस 7 लिख सकता हूं, इतना समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। अब ये आ गया, अब यहां पे 42 के बाद 35 हो गया, 35 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 इंटू 5, और प्लस में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, बस खत्म। अब यहां पे जब कभी भी रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो उसी का डिवाइजर क्या हो जाता है, उसका एचसीएफ हो जाता है। तो यहां पे एचसीएफ इक्वल टू, यू कैन सी दैट एचसीएफ ऑफ व्हाट, एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इक्वल टू व्हाट, 7। सो 7 इज द करेक्ट आंसर गाइस, इसी टाइप से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर के टॉपिक पे। एक आपका एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से, जो आपके मोस्टली टाइम एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं गाइस, तो उस क्वेश्चन को भी आपको एकदम इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही ले रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर बोला गया, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q, 6q+1 एंड 6q+3 गाइस, ये आपका क्या है, 6q+1, 6q+3, राइट, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो फॉर्म जो होगा वो आपका 6q होगा, 6q+1 होगा, और 6q+3 होगा, और 6q+5 होगा उसका ऑड इंटीजर। तो इसके बारे में आपको यहां पे प्रूव करना है गाइस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बी द इंटीजर, यहां पे क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन एक बार लिख लो, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q, 6q+3, 6q+5, where q is some integer, q is some integer, ठीक है, q जो है वो आपका सम इंटीजर है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, ये सारा क्वेश्चन आप लोग पहले से पढ़ लिए हैं, बस ऐसे ही ओवरव्यू करते जा रहा हूं, ऊपर ऊपर से आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि
आप लोग गाइस बहुत अच्छे हैं और आपका डिस्कशन मतलब आपका जो है पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो सिर्फ एक क्विक रिवीजन है, राइट। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई एक हमारे पास इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर, राइट। अब यहां पे a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू यहां पे दे दिया 6q + r, ये आपका दे दिया, ठीक है। अब यहां पे जो है वेयर क्या होगा, वेयर हम लोग क्या पढ़े हैं, r जो होता है ये इस b, b के जगह पे यहां पे क्या है, b के जगह पे यहां पे है 6, तो r जो होगा वो आपका हमेशा 0 से बराबर या फिर उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन ये b से हमेशा छोटा होता है गाइस, b से हमेशा छोटा होता है। तो इस कंडीशन में r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इस तरीके से तो अगर आप इसका वैल्यू पुट करते हैं, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q + 1, अगर आपका वैल्यू 2 रखते हैं 6q + 2, r का वैल्यू 3 रखते हैं तो 6q + 3, a का वैल्यू रखते हैं तो 6q + 4, और a का वैल्यू जब 5 रखते हैं तो 6q + 5। अब यहां पे देखो कौन कौन सा यहां पे बोला गया है, ये आपका टर्म आ गया, ठीक है, ये आपका टर्म आ गया। अब यहां पे इस टर्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाला टर्म, तो a इक्वल टू 6q + 1, a इक्वल टू 6q + 2, a इक्वल टू 6q + 3, a इक्वल टू 6q + 4 और a इक्वल टू 6q + 5। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ऑड और इवन में पहचानने का नियम क्या है, कि जब कभी भी किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट किसी भी नंबर में मल्टीपल अगर 2 नहीं है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग ऑड बोलते हैं। अब यहां पे देखो कौन कौन से मल्टीपल, कौन कौन से टर्म में यहां पे मल्टीपल में 2 नहीं है, तो 6q + 1 है, तो क्या इसमें अगर 2 कॉमन लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो यहां पे ये आपका क्या आ जाएगा, ये ऑड होगा, क्योंकि 6q + 1 है, अगर क्यू की जगह पे कुछ भी आप रख दो, लेकिन यहां पे जब 1 जोड़ोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कभी भी इवन में अगर 1 जोड़ते हैं तो वो आपका क्या आएगा, इवन में 1 जोड़ेंगे तो वो आपका ऑड आ जाएगा। तो यहां पे ये हमेशा किसी भी कंडीशन में ए का वैल्यू यहां पे आएगा आपका ऑड। सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा इवन, क्यों, क्योंकि यहां पे इसमें देखो दोनों में 6q + 2 है, तो 2 हम लोग दोनों में से कॉमन ले सकते हैं गाइस, इसमें से भी और इसमें से भी, तो आपका 6q + 2 यहां पे 2 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो 6q + 3 ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा ऑड, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन नहीं है, यहां पे ये आ जाएगा इवन और यहां पे ये आ जाएगा ऑड। अब यहां पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग यहां पे आपको चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं गाइस, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑड पूछा गया है, तो ऑड का फॉर्म क्या होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, लेकिन अगर इवन पूछता तो 6q + 2, 6q + 4, दो ही फॉर्म इसका आता गाइस, राइट। तो इसी तरीके से आपका जो है एक इस में क्वेश्चंस आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका आता ही आता है, तो बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है, राइट। इतना समझ में आ गया गाइस, तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो और थम्स अप कर दो, ठीक है। चलो क्या होता है गाइस कि मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि सारे लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और इस तरीके से अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि, और अगर आप इस तरीके से थम्स अप करते हैं और अगर ये बॉडी दिखाते हैं तो बिल्कुल मेरे को भी एनर्जी मिल जाता है, जिससे हम भी एनर्जेटिक फील करते हैं और किस तरीके से आपको जो है और बेस्ट यहाँ पे क्लास में प्रोवाइड कर पाता हूं। तो उसी एनर्जी के लिए सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए गाइस, ठीक है, तो गिव मी द हाई फाइव एवरीवन। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए, स्क्रीन पे नहीं गाइस क्योंकि स्क्रीन तो है नहीं, तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ये बस एक दो क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको नंबर बता दूंगा, आप वहां पे बुक को खोलकर उस क्वेश्चन को देख लेना गाइस, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा और बहुत सेशन जो है बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं। तो ये आपका सबसे पहला जो है वो एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं, तो वहां पे सबसे पहला एक थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं, गाइस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जिसको क्या बोलते हैं,
फंडामेंटल, तो ये फर्स्ट थ्योरम था। सेकंड थ्योरम है फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक्स का एक फंडामेंटल थ्योरम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक में कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एंड फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम नंबर। ठीक है, यही आपका टर्म है एवरी। ठीक है, इस चीज का बस ध्यान रख लेना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक आखिर होता क्या है, इसमें क्या बोला जाता है। यहां पे यही बोला जाता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं गाइस, जितने भी आपके कंपोजिट नंबर हैं वो एक तरीके से क्या है, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो आपके एक तरीके से वो अगर उसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद वो आपको एक प्राइम नंबर देते हैं। सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो कमेंट सेक्शन में सारे लोग बताइएगा व्हाट इज द कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर गाइस। जितने भी लोग हैं सारे लोग कमेंट चैट बॉक्स में पूरा आंसर भर दीजिए, एकदम क्या करिए फोड़ दीजिए गाइस। तो यहां पे आखिर व्हाट इज द कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, उसके बाद मैं बताऊंगा कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे लोग जल्दी से चैट बॉक्स में एकदम भर दीजिए आंसर। ठीक है, सारे लोग जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर भर देंगे गाइस, व्हाट इज द कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो यहां पे देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट इज द कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं कि ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पे दो वर्ड यूज किया गया है कि एवरी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, राइट। यही था आपका कौन सा थ्योरम है, यह आपका थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आपका जो है ये आर जो है वो आपका जीरो से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन आर जो है वो जीरो से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा गाइस, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होगा वो आपका जीरो से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा लेकिन बी से हमेशा क्या होगा गाइस, छोटा होगा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, तो यहां पे क्या होता है गाइस कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर गाइस, राइट। ठीक है, तो यहां पे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आपको दोनों समझ में आना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका मोर देन टू फैक्टर्स होता है, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैज द मोर देन द नंबर विच हैव द मोर देन द टू फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल 4, 6, 9, 12, 8, 10। तो दीज आर, दीज ऑल नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय द मोर देन टू नंबर्स। लाइक जैसे आप 4 को अगर एग्जांपल लेते हो, 4 जो होगा वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। 6 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द मोर देन 3 नंबर, राइट, मोर देन 3 नंबर। तो 6 भी आपका